हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज और आज हम डिजीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिट्रस की डिजीज़। इस डिजीज़ को येलो ड्रैगन डिजीज़ बोला जाता है या येलो शूट डिजीज़ बोला जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इस डिजीज़ को डायबैक डिजीज़ बोला गया। साउथ अफ्रीका में इस डिजीज़ को ग्रीनिंग डिजीज़ बोला गया। फिलीपींस में इस डिजीज़ को मॉटल लीफ डिजीज़ बोला गया और इंडोनेशिया में इस डिजीज़ को वीन फ्लोएम डीजनरेशन डिजीज़ बोला गया और चाइना में इसका नाम था हुआंग लॉन्ग पिंग। तो आपको पता चल गया होगा हम बात कर रहे हैं सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज़ की। अगर हम इस डिजीज़ की बात करें तो सिट्रस ग्रीनिंग का पैथोजन क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से इसको, और मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है, ये इस डिजीज़ में इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं हुआंग लॉन्ग बिंग इस डिजीज़ को क्यों बोला गया, क्योंकि ये बेसिकली एक चाइनीज़ वर्ड है और जिसका मतलब होता है येलो शूट। तो सिम्टम के बेसिस पे इसका नाम रखा गया हुआंग लॉन्ग बिंग डिजीज़। इसको कॉमनली HLB डिजीज़ भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स डिजीज़ के कैसे हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्लोरोटिक पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा करैक्टरिस्टिक अगर हम सिम्टम की बात करें तो करैक्टरिस्टिक सिम्टम क्या हैं कि जो फ्रूट है वो लॉप साइडेड हो जाता है। लॉप साइडेड मतलब कि एक तरफ को फ्रूट हो जाएगा, उसका जो जूस क्वालिटी है वो अनप्लेजेंट हो जाएगी और फ्रूट्स कई बार ग्रीन ही रह जाते हैं। इस वजह से इस डिजीज़ को सिट्रस ग्रीनिंग बोला गया। अब बात करते हैं लीव्स पे इसका सबसे करैक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है। तो लीव्स पे इसका जो सिम्टम है दैट इज मॉटल सिम्टम। जो ग्रीन मॉटल हमें लीव पे देखने को मिलता है वो सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि इसके कौन से करैक्टरिस्टिक किससे मैच करते हैं, तो इस केस में क्लोरोटिक सिम्टम आता है। क्लोरोटिक सिम्टम जिंक की डेफिशिएंसी को बेसिकली रिजेंबल करता है। दूसरा है वीन कॉर्किंग सिम्टम। वीन कॉर्किंग सिम्टम बेसिकली बोरोन की डेफिशिएंसी को रिजेंबल करता है। अगर हम बात करें फर्दर कि बाकी क्या क्या सिम्टम इसमें आते हैं, तो बेसिकली इसमें डायबैक देखने को मिलता है, फोलिएज पूरा ख़राब हो जाता है और सिट्रस की जो फ्रूट क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। पैथोजन की बात करें, तीन टाइप के पैथोजन्स के हम नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एशिया में कैंडिडेटस लिबेरीबैक्टर एशियाटिकस है, अफ्रीका में कैंडिडेटस लिबेरीबैक्टर अफ्रीकेनस है और अमेरिका में अमेरिकेनस है। अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो बेसिकली ये बैक्टीरिया है और ये फ्लोएम इनहेबिटिंग फास्टिडियस बैक्टीरिया है। दैट मीन्स ये बैक्टीरिया क्या है, डिफ़िकल्ट टू कल्चर है, इसीलिए इसका करैक्टराइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है और इसको हमने कैंडिडेटस वर्ड में या कैंडिडेटस कैटेगरी में बेसिकली डाल दिया है। अब इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम अदर कैटेगरी न्यूट्रिशनल बैलेंस अगर हो रहा है, तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे और लीफ के पास में पेन से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। दोनों साइड को हमने सर्कल ड्रॉ करना है, लीफ के अपर पोर्शन पे भी और उसके लोअर पोर्शन पे भी, सेम जगह पे सेंटर में। अगर हमें क्लोरोटिक पैटर्न उसी जगह पे ऑब्जर्व होता है, दैट मींस कि ये न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, और अगर हमें क्लोरोटिक पैटर्न लीव्स पे स्कैटर्ड नज़र आता है, दैट मींस कि ये मोस्ट प्रोबेबली यही डिजीज़ होगी, सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज़ ही होगी। अगर हम इसके वैक्टर की बात करें तो वैक्टर जो इसका सबसे एफिशियंट वैक्टर है दैट इज डायफोरिना सिट्राई, और इसमें एक और वेक्टर आता है दैट इज एरिट्रे ट्रायोजा एरिट्रे, ये भी इसका एक वेक्टर है। दोनों ही इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, पर जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वेक्टर है दैट इज डायफोरिना सिट्री। अब अगर हम बात करें कि ये जो आपकी बेसिकली कैंडिडेटस लिबेरी वेक्टर है, तो ये जो आपके स्ट्रेन्स हैं ये अलग अलग टेम्परेचर पर आते हैं। कुछ आपकी वार्म टेम्परेचर पर आती हैं और कुछ आपकी कूल टेम्परेचर पर आती हैं। तो अगर हम बात करते हैं वार्म टेम्परेचर की, तो वार्म टेम्परेचर में जो हीट टॉलरेंट है दैट इज़ एशियाटिकस जो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, अमेरिकेनस जो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, और जो अफ्रीकन है वो भी आपका लो टेम्परेचर पर ही आता है। और अगर हम बात करें कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो मैनेजमेंट में सबसे कॉमन है एक्सक्लूजन, जहाँ पे हम क्वारंटीन को यूज़ करते हैं, और ये डिजीज़ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू भी फैलती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम वेजिटेटिव मटेरियल लेंगे प्रोपिगेशन के लिए वो हेल्दी होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। इसका मैनेजमेंट का सिर्फ यही तरीका है सबसे इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा जो वैक्टर है हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।